केसर की पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खास प्रकार की कढ़ी, जो कि होगी बिल्कुल नए अंदाज में। पकौड़े की कढ़ी हम अक्सर खाते ही रहते हैं, पर लेकिन यहाँ पर हम एक दो खास तरह से बनाएंगे, जो अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन वो क्या हैं ये आपको आगे चल के हमारे वीडियो में पता चलेगा। यह है बेसन, जो कि हमने 100 ग्राम के लगभग लिया है, और दही ये 200 ग्राम है। दही हमारा थोड़ा सा खट्टा है, हमें इसे ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और अगर आप छाछ से बनाते हैं तो छाछ आपकी बहुत अच्छी और गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत सारा जिसका दही मक्खन निकला हो वह छाछ इसमें अच्छा स्वाद नहीं देगी। तो जहाँ तक कोशिश हो आप दही से ही कढ़ी बनाएं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब दही को हम मिलाने के बाद, उसको बेसन में मिलाने के बाद हम उसे अच्छे से पतला कर लेंगे, और पतला करने के बाद हम इसी में मसाले मिला लेंगे। जैसे हमने अभी 1 टीस्पून हल्दी डाली है, मिर्ची भी उसी अनुपात में डाली है, और नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दें। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब सबको अच्छी तरीके से एक बार और घोलकर अलग कर लें। यह है बथुए की भाजी। बथुए की पत्तियाँ आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बथुआ नहीं लेना, 50 ग्राम के लगभग आप बथुआ ले लें, जो कि अच्छा सा साफ करा हुआ हो, और हम इसे अच्छे बारीक काट लेंगे। इसे ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे टुकड़े नहीं करने हैं, नहीं तो जब हम खाएंगे तो हमारे मुंह में ये अलग से फंसे से लगेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग करनी है। और इसे हम एक साइड रख देंगे। अब आती है खास चीज़, ये है फली, जिसे आप मूंग की फली या सूरजनी की फली कहते हैं। इसको हमने छील कर साफ करके रख लिया है। इसकी क्वांटिटी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मूंगे की फली की। यह तेल, तेल आपको इसके अंदर लेना है लगभग 2 चम्मच। उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाए उसके बाद उसमें डालेंगे हम राई। राई के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह हम पिसा हुआ मेथी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है लहसुन, जिसकी 8 से 10 कलियों को हमने चॉप करके रखा हुआ था, और अदरक जो कि 1.5 इंच के लगभग है, उसको भी हमने पीस कर रखा हुआ है। सब चीज़ें मिला जा देने के बाद हमने इसमें डाला है कड़ी पत्ते की 7 से 8 पत्तियाँ, और ये बघार हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर फलियों को डाल देंगे, और फली हमारी अच्छी तरीके से भूननी है हमें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कढ़ी का घोल तुरंत डाल दें, फली अच्छे से भुन जाए फिर ही हम कढ़ी का घोल डालेंगे इसके अंदर। उसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि हमारी फलियाँ जो है हल्की ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जब तक फली अच्छे से सिकेगी नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और बाद में हमने इसमें मिला दिया है कटा हुआ बथुआ। कटा हुआ बथुआ मिलाने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। यहाँ हमें 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखिए एकदम बिल्कुल पतला सा उसमें मिक्स हो गया है, और कड़ी हमारी फली और पत्तियाँ सब अच्छे से मिक्स होके कलर अलग सा हो गया। और अब हम इसमें मिला देंगे हमारा जो बेसन का घोल है, वो इसमें हम डालेंगे, और एक ही बार में हम सारा घोल इसके अंदर मिला देंगे। और घोल हम जैसे ही डालें उसके बाद तुरंत हमें इसे चलाना ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर लम्स भी पड़ सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी मिला देंगे,
जिस बोल के हिसाब से मैंने यहाँ पानी मिलाया या जिस भी बर्तन के हिसाब से आप पानी मिलाएं, उसमें क्वांटिटी जो हमने यूज़ करी है उसके डेढ़ के हिसाब से उसमें पानी मिलाना ज़रूरी होता है। यानी कि अभी आपने अगर एक बॉल के हिसाब से लिया है तो कम से कम आपको डेढ़ से दो बॉल पानी मिलाना उसमें ज़रूरी है। तब आपकी जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो बॉईल होने के बाद अच्छे तरीके से उबल जाने के बाद एक बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। कढ़ी को हमें कम से कम 20 से 30 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से उबाल आने देने तक रखना है। अच्छे से उबली हुई कढ़ी ही स्वाद में अच्छी लगती है खाने में। कम उबाल की कढ़ी में आपको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए धीमी आंच पर कढ़ी को उबलने रख दें। और एक ख़ास बात और भी है कि आप जब भी कढ़ी बनाएं तो किसी बड़े बर्तन में बनाएं, जिससे कि कढ़ी के उफान आने पर उसका उफान के साथ हमारा जो स्वाद है वो उफन के जाए ना, नहीं तो हमारी कढ़ी का स्वाद जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें और जब भी कढ़ी बनाएं तो उसे पूरी तरीके से ढाके नहीं, उसको उसकी एयर निकलने के लिए थोड़ा सा हिस्सा खुला रखें और अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद उसे फिर ढक दें। तो ये थी हमारी आज की बथुआ और सहजन की फली की कढ़ी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।